अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मास्टर टैंग आर्मी को अटैक करने के लिए ऑर्डर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं टैंग आर्मी कई सारे क्रॉसबो को लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गोस्ट सेक्ट और फायर सेक्ट के जो लोग पावरफुल सोल मास्टर हैं, सिर्फ वही लोग बच पा रहे होते हैं, बाकी के सारे सोल मास्टर आसानी से मारे जा रही होती है। मार्शल सोल आर्मी को नुकसान होते हुए देखकर घोस्ट लिप्ट समझ जाता है कि हम लोग अपने आर्मी को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा ही बैटल ग्राउंड में आ गए हैं, इसलिए वह लोग क्रॉसबो को सक्सेसफुल इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसके बाद हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं फायर लिप्ट घोस्ट लिप्ट पूरी तरह से मारा गया है और वहीं दूसरी तरफ टैंक्शन अभी भी बिबडोंग से लगातार फाइट कर रहा होता है, जहां पर बिबडोंग टैंक्शन से फाइट करते वह सोचती है रॉन्ग रॉन्ग के ग्रैंडफादर ने हमारे आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए हैं, जिसके बाद वह अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करते हैं। इस पर टैंक्शन आर्मिंग की सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटी हील को लॉन्च कर देता है, लेकिन बिबडोंग गुस्से से अपनी वही अटैक पावर को लगातार बढ़ा रही होती है। यह देख करके रॉन्ग रॉन्ग तुरंत टैंक्शन के पावर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके बाद टैंक्शन आर्मिंग की सोल बोन की सेकंड टेक्निक का यूज करता है और बिबडोंग पर एक डायरेक्ट अटैक को लॉन्च कर देता है। यह देख करके बिबडोंग अपनी सेकंड गार्डियन स्पाइडर फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करती है। वही हम देखते हैं कि इन दोनों के अटैक के सप्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कुछ लोग तो बिना वैसा ही मारे जाते हैं। इसके बाद टैंक्शन इस अटैक के पावर को लगातार बढ़ा रहा होता है। इस पर बिबडोंग कहती है कि तुम ऐसा कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त रॉन्ग रॉन्ग लगातार सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या होगा अगर वो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जिंदा ही ना रहे। टैंक्शन अपनी डोमिन को रिलीज करके देखता है गोस्ट लिप्ट तेजी से रॉन्ग रॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। वही हम देखते हैं गोस्ट लिप्ट की स्पीड इतनी होती है नॉर्मल लोग उसे नहीं देख पाते हैं। इसके बाद वो सीधा रॉन्ग रॉन्ग के डिफेंस पर अटैक करके उसे तोड़ता है। इसके बारे में देखते हैं वो सीधा रॉन्ग रॉन्ग पर अटैक लॉन्च कर देता है। वही हम देखते हैं रॉन्ग रॉन्ग के लाइट ने अचानक से गोस्ट लिप्ट को दूर फेंक दिया है। वही रॉन्ग रॉन्ग के अंकल फाइट करते हुए बताते हैं हमने पहली बार रॉन्ग रॉन्ग की एट सोल स्किल को देखा है क्योंकि अब उसकी पगोड़ा से गॉडली लाइट रिलीज हो रहा है, क्योंकि किसी भी अटैक रॉन्ग रॉन्ग के पास पहुंचने से पहले ही उसे दूर फेंक देता है, लेकिन इसकी एक ही कमी है, यह बाकी सोल स्किल के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती है। इसके बाद रॉन्ग रॉन्ग की अंकल उनके फादर से बताते हैं मैंने गोस्ट लिप्ट से फाइट किया है इसलिए मुझे यह अच्छी तरह से पता है, उसकी स्पीड और पावर बहुत ही ज्यादा है, इसकी वजह से उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए मुझे डर है कि रॉन्ग रॉन्ग के स्पिरिट पावर इतनी नहीं है उसके गॉड की लाइट घोस्ट लिप्ट को रोक सके। यह सुनकर के रॉन्ग रॉन्ग के फादर सोचते हैं यह तो ऐसी सिचुएशन है एक झटके में पूरी के पूरी सिचुएशन को बदल सकती है, इसलिए रॉन्ग रॉन्ग मान सकते हो। तभी हम देखते हैं घोस्ट लिप्ट रॉन्ग रॉन्ग कहता है तुम्हारे पास बस ऐसी प्रोडक्शन है जो तुम्हें बचा रही है, चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर मेरी अटैक से बच सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं घोस्ट लिप्ट अपने एट सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनके शैडो रॉन्ग रॉन्ग पगोड़ा पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं रॉन्ग रॉन्ग को पता चल जाता है अब उसकी गॉड लाइट उसको नहीं बचा सकती है। वही घोस्ट लिप्ट अपनी शैडो से उस पर लगातार अटैक करते हुए कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस पगोड़ा के नीचे छुप सकते हो, और हाँ तुम बोलना मत तुम अपने दोस्तों को सपोर्ट करना बंद कर देती हो तो वे लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं डाई मुंबई और कैट गर्ल के टाइगर ड्रैगन सेक्ट और टाइगर सेक्ट से फाइट कर रहे होते हैं। वही डायमंड बियर लगातार शू पर भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ बिबडोंग बाई टैंक्शन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं रॉन्ग रॉन्ग के पगोड़ा अचानक से टूट जाता है
जिसके बाद गोश्त लिप्ट इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी रॉन्ग रॉन्ग के ग्रैंडफादर वहां आकर के उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं रॉन्ग रॉन्ग के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड ने पूरी तरह से बैटल ग्राउंड को ढक लिया होता है। वही बिबडोंग ऐसा होते हुए देख करके कहते हैं, आखिर वो इंसान फिर से मेरे सामने आ गए हैं।